हेलो मास्टर उज्जवल वेलकम बैक टू अर चैनल आपका स्वागत है हमारे एनिमल क्विज पार्ट ट्वेल्व में सो आर यू रेडी यस इस क्विज के दौरान आपको मिलेंगे फाइव क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे दस सेकंड्स सो थिंक वेरी केयरफुली बिफोर आंसर लेट अस गेट स्टार्टेड एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल्स कैन ड्रिंक मिल्क इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो दूध नहीं पी सकते हैं एंड यूर ऑप्शन बी फिश सी बर्ड्स एंड डी ऑल ऑफ द द ऑल ऑफ ओके लेट चेक यस योर ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड्स यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैमल्स ही होते हैं जो मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं मैमल्स का ये प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और उनके बेबीज मिल्क को पीते हैं तो उन्हीं के अंदर ही ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं रेप्टाइल्स बर्ड्स फिशेज और भी दूसरी कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं ना तो वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और ना ही उनके अंदर ऐसे ऑर्गन होते हैं कि वो मिल्क को कंज्यूम कर पाए लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच इक्टिक एनिमल कैन ड्रिंक मिल्क इनमें से कौन सा पानी में रहने वाला एनिमल है जो दूध पी सकता है एंड योर ऑप्शन आर ए सी हॉर्स बी कैट फिश सी वेल एंड डी लेट मी चेक यस वेल इज अ करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में सी हॉर्स कैटफिश एंड टूना फिश ये सब फिश कैटेगरी में आते हैं और जो वेल है वो फिश कैटेगरी में नहीं आता वो एक मैमल है तो मैमल्स का ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मिल्क को प्रोड्यूस भी करते हैं और उनके बेबीज मिल्क को कंज्यूम भी करते हैं ऐसी बहुत सारे अदर मैमल्स हैं जो इक्वेटिक एनिमल हैं फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन मैनेटीज एंड अदर्स लेट एस मूव टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच रेप्टाइल इज सर्ड मिल्क ड्यूरिंग नाग पंचमी नाग पंचमी के फेस्टिवल पे किस एनिमल को मिल्क ऑफर किया जाता है एंड यूर ऑप्शन आर ए स्नेक बी क्रोकोडाइल सी लिजर्ड एंड डी टेट मी सी या स्नेक इज अरेक्ट आंसर फ्रेंड्स हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया है पहले दो क्वेश्चन में कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो दूध ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही कंज्यूम कर सकते हैं तो फिर आश्चर्य की बात यह है कि नागपंचमी वाले दिन स्नेक दूध कैसे पीते हैं चलो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं नागपंचमी इंडिया में मनाया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसमें स्नेक्स की वॉर्शिप की जाती है और उनको मिल्क ऑफर किया जाता है और हमने जैसे बात की के स्नेक तो दूध पी नहीं सकते ना ही उनको अच्छा लगता है लेकिन उन दिनों में स्नेक दूध को खुद पीते हैं तो ये कैसे होता है जो स्पेरे होते हैं पंचमी से कम से कम एक महीना पहले इन सांपों को जंगलों से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं सबसे पहला काम वो क्या करते हैं इनका जो फेंग होता है जहरीला दांत जिससे ये डंक मारते हैं सबसे पहले उसको काट देते हैं ताकि ये किसी को डस नहीं सके और उसके बाद इनको भूखा और प्यासा रखते हैं और नागपंचमी वाले दिन जब लोग इनको दूध ऑफर करते हैं वो एकदम प्यासे होते हैं तो उनको लगता है कि ये पानी है तो दूध को पानी समझ के पी लेते हैं और सबसे बड़ी बात सांप का जो डाइजेशन सिस्टम है वो पता है कैसे काम करता है जब वो किसी भी एनिमल को डंक मारता है तो उसके अंदर अपना वेनम छोड़ देता है तो जिस भी एनिमल को खाता है उसमें उसका वेनम होना चाहिए तभी वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं अब हमने तो उसका फैंग पहले ही काट दिया अब तो वैसे ही मर जाने वाला है क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम ही हमने उसका प्रोसेस ही कट ऑफ कर दिया अब पानी समझकर नाग पंचमी वाले दिन जो सांप होता है वो दूध को पी लेता है क्योंकि बहुत प्यासा होता है लेकिन वो उसको डाइजेस्ट तो नहीं कर सकता अब सपेरे के पटारे में वो बेचारा कुछ ही टाइम में अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि नाग पंचमी के जस्ट बाद जो स्नेक्स की टोटल काउंट है इंडिया में वो एकदम से ड्रॉप कर जाती है तो ऐसे तो स्नेक्स की जो प्रजाति है वो एक रिस्क में आ जाएगी तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको आजकल बैन कर दिया है तो मेरा भी आपसे सुजेशन है कि आप स्नेक्स को वॉशिप करिए बट मिल्क कभी भी मत दीजिए और सुपेरों का ये जो है बिजनेस है इसको मत बढ़ाइए लेट अस मूव टू योर फोर्थ क्वेश्चन इज विच एनिमल इज फेमस टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर कौन सा ऐसा एनिमल है जो बहुत पॉपुलर है कि वो दूध से पानी को अलग कर देता है एंड योर ऑप्शन आर A a sparrow, B peacock, C swan Swan. swan and D pigeon. Okay, let me check. Yes, is correct answer. Friends, माना ये आता है कि जब हम swan को milk offer करते हैं तो ये उसमें से milk का part पी लेता है और उसके पीछे पानी को छोड़ देता है पापा हम तो पीछे बात करके आए हैं कि गोपी तो एक बर्ड है बट ये कैसे पी लेती है दूध और पानी को अलग कर देती है बताइए ना यस वेरी नाइस बिकॉज वैन भी एक बर्ड है और हमने बात की है कि बर्ड के पास वो ऑर्गन्स ही नहीं है कि जो मिल्क को वो कंज्यूम कर सके ये मान्यता आई कहां से पहले मैं आपको ना इसका एक लिटरल मीनिंग समझाता हूं कि जो हंस है वो मिल्क को पी जाता है और वाटर को छोड़ देता है इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली हंस शब्द हिंदुइज्म में उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो सब बुराइयों को छोड़ देता है सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को लर्न करता है और अपनी लाइफ में धारण करता है जैसे कि दूध में से दूध को निकाल लेना और पानी को छोड़ देना बट ये एक्चुअली एक बर्ड के लिए नहीं था बट एक स्पेसिफिक पक्षी को फिर ये हंस शब्द क्यों दिया गया इसलिए दिया गया क्योंकि अगर आप हंस को देखें यह बहुत ही मडी एरिया में पाउंड में रहता है लेकिन इसके जो फैदर होते हैं वो हमेशा वाइट रहते हैं वो कभी गंदे नहीं होते मतलब वो एक गंदगी में रहकर भी सिर्फ अच्छा उसमें से अच्छाई को निकाल लेता है पानी को निकाल लेता है जैसे कि एक हंस पुरुष अच्छाइयों को निकाल लेता है और इसका ये मीनिंग कभी भी नहीं है कि हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है मूव टू ये एंड योर फिफ्थ क्वेश्चन इज विच एनिमल इज नॉन फॉर इट्स फेक टीयर्स कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने फेक टीयर्स की वजह से फेमस है एंड योर ऑप्शन आर ए स्नेक बी क्रोकोडाइल सी टॉटॉइज एंड डी लिजर्ड क्रोकोडाइल ओके लेटस चेक यस क्रोकोडाइल इज अ करेक्ट आंसर चलिए आपको कुछ रोचक बताता हूं अबाउट क्रोकोडाइल जब क्रोकोडाइल कुछ खाता है किसी एनिमल को किल करने के बाद उसको खाता है तो खाते टाइम पे यह कुछ अपनी आंखों में से आंसू निकालने शुरू कर देता है एक तो इसने किसी एनिमल को मारा और ऊपर से रो रहा है तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना तो इसी तरीके से क्रोकोडाइल टीयर्स जो होते हैं उस व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं जो किसी के लॉस होने पे किसी का नुकसान होने पे अपने टीयर्स शेड करता है बट अंदर से बड़ा खुश होता है तो उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज किए जाते हैं कि देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू सुर रहा है लेट लेटस मूव टू योर स्कोर कार्ड यू हैव स्कोर्ड फाइव आउट ऑफ फाइव कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूअर्स आई होप दैट इट वुड हैव क्वाइट फॉर ऑल ऑफ यू एंड इफ है लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू मेक मैनी सच वीडियोज एंड टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट And press the bell icon. Thank you so much for watching.